हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कपास के बारे में, कपास की खेती कैसे करते हैं, इसमें कैसे कितनी आमदनी होती है, कितना इसके अंदर खर्चा होता है। हमारे साथ में जो कि पैसे से अध्यापक है और वैसे ये खेती से जुड़े हुए हैं, काफी वर्षों का इनके पास अनुभव भी है और इनका नाम है बस्तीराम जी। पहले हमें बताइए कि आपने कितने बीघों में ये कपास बो रखी है? ये कपास लगभग 10 बीघों में है, 10 बीघा जमीन है, इसमें कपास बो रखी हमने। 10 बीघा में आपने कपास बोई है? जी बिल्कुल। तो इस कपास को आप सिंचाई किस तरह से करते हो? पहले सिंचाई हमारे यहाँ फवारा सिंचाई होती है, कई जगह वैसे ये क्यारियाँ बनाकर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर फवारा सिंचाई द्वारा होती है। अच्छा, इसको मतलब किसी भी तरह से आप कर सकते हो, क्यारियों में भी ये सफल है और फवारा में भी है? हाँ, थोड़ा हमारे यहाँ जमीन उबड़ खाबड़ ज्यादा है, इस कारण से फवारा सिंचाई इनके लिए फवारा यहाँ उपयुक्त है। जी बिल्कुल। तो आप इसके लिए सबसे पहले कौन सा बीज आपने यहाँ पे इसमें यूज लिया? बीज जैसे कपास के अच्छे से बीज हैं, ये नरमा कपास है, नरमा के अंतर्गत कई BT2 कपास के बीज आते हैं। अच्छा, वो बीज हमने ले रखे हैं। अच्छा, अब तो आधुनिक तकनीक से बीटी कपास भी आए हैं जिसमें कई कीटनाशक रोगों से छुटकारा मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देख लीजिए आप, इसमें कई तरह कोई तरह का रोग नहीं लगा है। अच्छा, ये बीटी कपास का ही एक है? बिल्कुल, कपास एकदम अच्छी है, उसी की बदौलत ये ऐसा संभव हो पाया। तो आपने 10 बीघों में कपास बोई है, इसका कितना खर्चा पड़ जाता है? खर्चा वैसे प्रति बीघा काफी खर्चा होता है इसमें, जैसे 6,000 इसके आप प्रति बीघा चुने के भी पकड़ सकते हो, और इसके अलावा 6-7,000 अन्य खर्चे खाद के हैं या ट्रैक्टर की बुआई के हैं। मतलब 10-12 हजार रुपए प्रति बीघा तो इसका खर्चा पड़ जाता है। बिल्कुल, यानी खर्चे में भी ये काफी महंगी है। तो इसकी वजह आमदनी में क्या इसका प्रति बीघा आमदनी लगभग हो जाती है 7-8 हजार के लगभग, 7-8 हजार प्रति बीघा आमदनी हो जाती है, मतलब बच जाते हैं इतने रुपए तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। इसके मतलब काफी निराई गुड़ाई करने में कितना क्या दो बार करना पड़ता है? निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खरपतवार ये रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल के कारण ये खरपतवार बहुत ज्यादा उगता है, बरसात होती है, तो दो बार इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। दो बार करनी पड़ती है? बिल्कुल, दो बार। मतलब दो बार तो इसके निराई गुड़ाई करने में समय लग जाता है। और इसको पानी कितना देना पड़ता है? पानी भी जैसे उगाते समय गर्मियों की ऋतु होती है, इस कारण थोड़ी गर्मी ज्यादा रहती है, तो उगाते समय थोड़े पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और उसमें बरसात भी नहीं होती है। वैसे राजस्थान में बरसात तो जुलाई के आरंभ में शुरू होती है, लेकिन इसको उससे पहले भी बोल दिया जाता थोड़ा, इससे पहले जून या मई के लगभग, मई के अंतिम सप्ताह में। अच्छा, उस समय तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन इसको थोड़ी ठंड की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ठंड की आवश्यकता, जैसे जैसे ये बाद में नमी के बाद में आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जैसे ये उगती ना, उस समय तो गर्म जलवायु आवश्यक है, उसके बाद में थोड़ी ठंडी जलवायु। अच्छा, इसकी हाइट अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ तक 4-5 फुट के लगभग ही है हाइट, इस बार ये थोड़ी कम हुई है, लेकिन कई बार ये हाइट में 6 फुट के लगभग हो जाती है, 6-6.5 फुट भी हो जाती है हाइट भी इसकी अच्छी जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी हाइट कम है, जैसे इसमें ये 4 या 4.5 फीट के लगभग ही अगली बार। आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से ये इतनी हाइट नहीं हो पाई? थोड़ी इस बार थोड़ी गर्मी भी ज्यादा रही है और बरसात की कमी रही, इस बार बरसात कम हुई है। अच्छा, इसको पानी देने के अपने कुएं से पानी देने के साथ साथ बारिश का पानी, बारिश का पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और इसमें जैसे गोबर की खाद हो तो गोबर की खाद ज्यादा डाल लेना तो अच्छी होती है, जैविक खाद से भी अच्छी होती है। अच्छा, जैविक खाद से भी ज्यादा गोबर की खाद को भी आप महत्व देते हो? बिल्कुल। मतलब इसके खेत में आपने पहले गोबर की खाद भी डाली होगी? हाँ, रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते होंगे आप? रासायनिक खाद डालते हैं लेकिन कम डालते हैं, जैविक खाद ज्यादा डालते हैं या गोबर खाद। अच्छा, गोबर और जैविक खाद को आप ज्यादा महत्व देते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो और आप बताइए कि अभी तक आपने पूरी चुनाई नहीं की, एक बार इसकी चुनाई एक बार करते हो या उसे दो बार भी करनी पड़ती है? दो बार करनी पड़ती है, एक बार में क्या होती है, पूरे इनको डोडा बोलते हैं, ये डोडे पूरे फटते नहीं है एक बार में, ये दो बार या कई बार थोड़े और भी रह जाते हैं, तो उनको बाद में पशुओं को खिला दिया जाता है, इन दो बार तो आवश्यक ही है। अच्छा, इनका मैंने सुना है जहाँ तक कि कपास के अंदर जो डोडे होते हैं वो पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही बात है? हाँ, पशुओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसे दूध में फायदा होता है, दूध ज्यादा होता है। अच्छा, और पशुओं को देने से दूध में भी बढ़ोतरी होती है, अच्छी बात है। तो इनको बाद में रहने के बाद आप पशुओं को छोड़ देते हैं इसके अंदर? हाँ। तो इसके पीछे जो फिर ये चुनाई करने के बाद डोडे भी आप पशुओं को छोड़ देते, फिर इसके बाद में जो ये बचता है इसका क्या किया जाता है? इसका इसमें जैसे रोटर आता है, रोटर में ये दबा दिया जाता है। रोटर का क्या कार्य क्या होता है? मुख्य रोटर के होता है कि ये जैसे खेत में ये फसल खड़ी है, इस फसल को छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा और खेत में मिट्टी में मिला देगा।
अच्छा उसको खाद के रूप में, फिर खाद के रूप में ये वो खाद के तरीके में हो जाती है, और खेत में जो खड़ी फसल है वो जैसे खड़ी है ही नहीं, इस तरह हो जाती है, नेस्तनाबूत हो जाती है रेत के अंदर, और वो रेत में दब जाते हैं, अगली फसल के लिए उपयोगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके फायदे भी बहुत है और इसका मतलब खर्चा भी ज्यादा वैसे है, और लेकिन इसका उपयोग भी बहुत अच्छा उपयोग है, और इसमें आमदनी भी अच्छी हो जाती है। आमदनी काफी अच्छी होती है, मतलब खरीफ की अन्य फसलों के मुकाबले कपास की थोड़ी अच्छी होती है। तो आप ये कितने सालों से इस कपास की खेती कर रहे हो? हम 6 साल से लगभग ये कपास की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी कपास अच्छी कम है अन्य सालों के मुकाबले, बाकी सालों के मुकाबले इस बार कम है। तो आपने अधिकतर जहाँ पे 5-6 सालों से आप कर रहे हो कपास, तो आपने सबसे ज्यादा कपास किस वर्ष में हुई और कितनी हुई थी, उस समय आपके कितने मतलब आमदनी हो गई थी? कपास जैसे 10 बीघा खेत है। आप इसी खेत में करते हो या खेत का बार बार अलग अलग घूमते हैं? अलग अलग जैसे फसल चक्र अपनाते हैं। अच्छा, कभी इस खेत में तो कभी दूसरे खेत में करते हैं। अच्छा, अभी इसमें किए तो अगले साल आप कोई किसी और में खेत में? बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस खेत में जैसे एक बार बोई थी 10 बीघा में, तो उस समय जैसे 45 क्विंटल के लगभग कपास हुई। 10 बीघा के अंदर 45 क्विंटल, 4.5 क्विंटल लगभग हुई एक बीघा में 4.5 क्विंटल। और उस समय क्या भाव थे? भाव तो ज्यादा नहीं थे उस समय, भाव तो 5,000 के थे। अच्छा, 5,000 के थे, फिर भी काफी मतलब 22-23 हजार हो गया था, और खर्चा तो आपने 10-12 हजार बताई है, मतलब 10 हजार उस समय बच गया। उस समय 10 हजार बचे, यानी अच्छा ही, अगर इसकी पैदावार हो तो 10-12 हजार रुपए भी बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। अच्छा, और मिनिमम 8-9 हजार 7 हजार रुपए तो बचते ही है। ये बात है। इसकी फसल मैंने सुना है कि कुछ लंबे समय तक चलती है फसल, थोड़ी लंबी होती है ये फसल, होती है 6 महीने की हो जाती है। 6 महीने किसान के लिए लंबी फसल है, 6 महीने की फसल है। अच्छा, इसको जून के अंदर बोया जाता है, फिर कटाई यानी इसका जब एंड या चुनाई किया जाता है, जैसे मई के अंतिम सप्ताह समझ लो, मई समझ लो आप, जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने हो गए, नवंबर तक चलेगी ये फसल, नवंबर तक चलेगी। फिर इसकी मतलब अगली फसल के लिए भी देरी हो जाती है, इसके अंदर थोड़ा तो ध्यान, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ज्यादातर कपास की फसल जहाँ बोई होती है वहाँ गेहूं भी बोना पड़ता है, बाकी फसलों के लिए लेट हो जाते हो। बाकी फसलें क्या होता है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ये दूसरी फसल बो सकते हैं, तो उस समय 15 नवंबर के बाद में गेहूं की फसल ही ज्यादा अच्छी होती है। गेहूं की फसल थोड़ी समय कम लेती है, इसलिए उसको बाद में लेट बो दिया जाता है। बिल्कुल। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हम आगे भी ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको खेती के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी, और आपको अगर वीडियो ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। बीच कटाया लाइफ।